दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि विंडो 10 के लिए क्या अलग से ड्राइवर डाउनलोड करना है, विंडो 7 के लिए अलग से डाउनलोड करना है, 32 बिट के लिए अलग से डाउनलोड करना है ड्राइवर, 64 बिट के लिए अलग से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले जो है मेरिकल बॉक्स में जो है मेरिकल सेल हुआ करता था, जिसकी वजह से हम लोग जो है काम क्या करते थे। अभी जो है मेरिकल सेल को हटा दिया गया है और मेरिकल सेल को जो है मेरिकल बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। अगर आप किसी भी मोबाइल का अगर ड्राइवर डाउनलोड करना चाहें, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे वो मान के चलिए मीडिया टेक हो या वो एसपीडी हो, कोई भी किसी भी आईसी का अगर ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है किसी भी मोबाइल का, किसी भी कंपनी का, टोटल ड्राइवर आपको जो है मेरिकल बॉक्स के जो है सेटअप में मिल जाएगा। आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरह से आप जो है ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मेरिकल बॉक्स का टूल ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहां पे अबाउट पे क्लिक कर देना है और अबाउट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप जो ये सारा जो है ड्राइवर डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि रिफ्रेश लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पे जो है टोटल जो है ड्राइवर का और फ्लैश फाइल का यहां पे एक जो है लिस्ट आ जाएगा यहां पे कि इनमें से आपको क्या डाउनलोड करना है, ठीक है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखा दूं, आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, यहां पे ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लोडर फाइल भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं पहले आपको यहां पे ड्राइवर पे डबल क्लिक करके आपको यहां पे मैं दिखा दूं। जैसे आप यहां पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद ऑनलाइन जो है ऑटोमेटिकली यहां पर जो है लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारा लिस्ट आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। विंडो 10 के लिए है, विंडो 8 के लिए है, विंडो 64 बिट, 32 बिट सब के लिए यहां पर है। तो जो भी आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर के मुताबिक आप यहां पे ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विंडो 7, विंडो 10, 8 यहां पे आप देख रहे हैं। न्यू ड्राइवर पे क्लिक करके आप जो है न्यू ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट 2018 का जो ड्राइवर है भी, वो जो ड्राइवर यहां पे न्यू ड्राइवर पे क्लिक करके आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राइवर जो है आपका विंडो 7 के लिए होगा, ठीक है, और इनमें से नीचे में जो है आपका क्वालकॉम ड्राइवर विंडो 10 के लिए होगा, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम के मुताबिक जो है अपने ड्राइवर को जो यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं यहां पे डाउनलोड कैसे करना है, आपको किस तरह से करना है। अब इस कंफ्यूजन में आप होंगे कि ये ड्राइवर जो है डाउनलोड किस तरह से होगा यहां पे, तो चलिए हम आपको अभी यहां पे दिखाएंगे किस तरह से आप इस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद ये फाइल जो है कहां जाएगा, आपके कंप्यूटर में सेव होगा कि कहां पे रहेगा और कैसे आप उस फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। तो चलिए पहले हम यहां पे जो है मान के चलिए इस ड्राइवर को हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हम बाकी सबका चेक यहां से हटा देते हैं और बाकी सबका चेक हटाने के बाद बाकी इस ड्राइवर पर हमारा चेक लगा हुआ है ओनली, ठीक है, और इन दोनों का भी चेक हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हमें इसे डाउनलोड करना है मान के चलिए, ठीक है। तो इस पर ऑटोमेटिक हमने क्लिक किया और इस पर चेक लग गया, ठीक है। और जैसे इस पर चेक लग गया उसके बाद हमें इसे डाउनलोड करना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट में जो यहां पे जो है राइट साइड में यहां पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। और जैसे यहां पे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइवर जो है आपके मेरिकल टूल में ही जो है आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और डाउनलोड कैसे हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं, यहां डाउनलोड किस तरह से हो रहा है, चलिए मैं आपको यहां पर दिखा दूं। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है टोटल ड्राइवर डाउनलोड होगा। आप बारी बारी से जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको कोई फ्लैश फाइल चाहिए इसमें, ठीक है, जो फ्लैश फाइल आपको यहां पर मिल रहा है इनमें से अगर आपके किसी काम का है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको यहां पे अगर लोडर फाइल किसी भी अगर क्वालकॉम का अगर लोडर फाइल अगर आपको चाहिए तो ठीक है, तो लोडर फाइल यहां पे आपको कुछ लोडर फाइल आपको यहां पे मिल जाएगा, लोडर फाइल भी आप यहां पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए आप यहां पे इसे डाउनलोड कर रहे हैं और आपको बैक आना है, तो बैक कैसे आएंगे आप, ठीक है। तो बैक आने के लिए आप मान के चलिए आपको पहले मैं दिखा दूं कि आप दूसरी ड्राइवर को भी यहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको बैक आना है तो बैक आने के लिए आपको जो है फिर से दोबारा जो है रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप फिर से दोबारा रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक करेंगे यहां पे, तो उसके बाद फिर से जो है जहां पे था मैनुअल ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से आप जो है अपने ड्राइवर को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने फ्लैश फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मेरिकल बॉक्स द्वारा जो है कोई भी मोबाइल का जो है यूएसबी ड्राइवर जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आपको कोई वेबसाइट जो है ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे क्या, मान के चलिए अगर आपको कोई डेमो अनलॉक अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या आप मतलब क्यूसीएन फाइल डाउनलोड करना है या आपको लोडर फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे जो है मोबाइल का जो आपको जो भी कंपनी का मोबाइल है आपका उसका ब्रांड आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें जो भी चाहिए आप यहां से जो है इसे
चेक लगा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप जो है मोटोरोला पैक जो है, उसके बाद डेमो अनलॉक, ठीक है, हवाई पैक, ये सब जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद ये सब फाइल जो है कहाँ पर जाकर के सेव होगा, चलिए मैं आपको बताते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जो भी फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो वो जो आपका अगर माई कंप्यूटर आपको ओपन करना है उसे देखने के लिए कि वो फाइल आप जो डाउनलोड किए हैं वो फाइल कहाँ पे जाकर के सेव हो रहा है, तो माई कंप्यूटर ओपन करने पर आपको सी प्रोग्राम ओपन करना है, उसके बाद मेडिकल टीम वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिकल थंडर सेटअप को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है यह है डाउनलोड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आकर के सेव है। और इन सभी ड्राइवर को जो है आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह आप मेडिकल बॉक्स का सेटअप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आप इन सभी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।